हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो इस बच्ची ने ना जो सामने फ्रंट रो में, उसने अपनी फ्रेंड को कुछ कहा है, मुझे देख के बड़ा मजा आता है जब आपस में ना कोई दूसरे की, टीचर्स भी अक्सर खड़ी हो ना क्लास के अंदर, आप लेक्चर दे रहे हो, जिस तरह कोनी मारते हो, पता नहीं अब क्या बात है, अच्छी है या बुरी है, ये अभी मैं ब्रेक में पता करूंगी, ऐसे मुझे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। अच्छी थी ना बात, ठीक थी, तो तालियां मेरे लिए बजा दो। ओके जी, दुआ उम्मीद और यकीन हमेशा की तरह यही है कि आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, दूसरों का भी रख रहे होंगे ख्याल। और आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह जो है बड़ा हटके होने वाला है और म्यूजिकल इवनिंग का खास तौर पे एहतमाम किया है। एंड वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सिंगर्स एंड सेलिब्रिटीज, जिनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है ही है लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा, खैर करे रिस्क होता है इनको लाइव प्रोग्राम में बुला के इनसे ऐसी वैसी कोई बात करने का, क्योंकि जवाब का कोई पता नहीं होता आगे से क्या है। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, मैं केयरफुल आज रहूँगी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, लेकिन अपनी मेहमान शख्सियत के बारे में मज़ीद बात करने से पहले और उनको बुलाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। एंड आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ प्राइड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि ए प्लस जो है, आपको मालूम है कि T20 सीरीज खेली जाती है 20-20 ओवर्स की, T10 टूर्नामेंट का आगाज 14 दिसंबर से हो रहा है और 14 से 17 दिसंबर तक T10 सीरीज के मैचेस खेले जाएंगे। 6 टीम्स आपस में बिल मुकाबल होंगी शारजा के अंदर। एंड आई एम सेइंग इट विद अ लॉट ऑफ प्राइड एंड आई एम वेरी प्राउड के ए प्लस पख्तून टीम के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स हैं। अच्छा जी, और जब पख्तून टीम की बात आती है, पखैर आगले संगे आल दे, ठीक ठाक दे, किसी को आती है पश्तो के नहीं, देरा मेहरबानी, देरा मेहरबानी, पख्तून टीम की जब बात आती है तो भाई हमारे जो पख्तून टीम के कैप्टन हैं, मेरे आपके हम सब के पूरी दुनिया में फेवरेट, चाहे कहीं पे भी पाकिस्तानियों की नहीं हम बात करेंगे, इंटरनेशनल स्टार है शाहिद आफरीदी इज द कैप्टन ऑफ पख्तून टीम। और इस टीम की ब्रांड एम्बेसडर अगेन इनकी बात करें, शी इज एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंड यू लव हर बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारा काम किया है, शी इज फेमस बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग एंड हर गुड लुक्स एज वेल, जरीन खान इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। दिल जीत के जाएंगे, जी हाँ, इसका ऑफिशियल पख्तून टीम का ऑफिशियल ट्रैक है, ऑफिशियल सॉन्ग है, जिसको गाया है मेरी आपकी हम सब की बहुत फेवरेट, बहुत प्यारी, बहुत चहेती बगैर आगरे गुल पर ना, पखैर आगले उनका नाम नहीं, पखैर आगले मैंने वैसे ही कह दिया, ऐसी पश्तो जब 3-4 लफ्ज आते हैं तो बोलनी चाहिए, जरूरी होती है। बट अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी तरह मैं चाहती हूँ और हम हर टीम को सपोर्ट करें, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जरा फेवरेट जो है पख्तून टीम है, क्योंकि ए प्लस ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। वंस अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉस हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, तालियां हो जाए बहुत सारी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जहाँ पे शाहिद आफरीदी पख्तून टीम के अंदर होंगे, वहाँ पे आपको सेल्फी किंग अहमद शहजाद भी नज़र आएंगे, मुख्तलिफ और टीम्स के प्लेयर्स जिसमें बंगाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन प्लेयर्स होंगे। सो इंटरनेशनली जो है हर एक एक टीम को जो है उसका चुनाव किया गया और उसको चूज़ किया गया। सो एक काम करते, एक छोटा सा हमें प्रोमो, बाकी भी टीम्स को हम ऑल द बेस्ट ज़रूर कहेंगे लेकिन हमारी साइड पख्तून टीम के साथ ज़रा ज़्यादा है। अच्छा जी, नाउ कमिंग बैक टू आर प्रोग्राम, मेरे आज की मेहमान सेलिब्रिटी अगेन इंटरनेशनल National star hai, he is famous because of his singing, he is famous because of his good looks or what not, aur bahut sari aisi baatein hain jo inke bare mein main ye zarur keh sakti hu ki he is such a good human being by heart, bahut acche, bahut nafees and very down to earth, bade kam aise log hote hain ki jinko itni maqbooliyat mile to wo down to earth hain, and he is one of them, main ye guarantee ke sath keh sakti hu, meri guarantee pe aitbaar zarur kijiyega, waise kabhi kabhar na bhi kiya kare main aisi baat karti hu lekin aaj ke liye zarur aitbaar kijiyega, bahut sari taaliyon mein Nadeem Abbas। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक कैसी हैं आप? एतबार कर लें मेरी बात पे, ये कि नहीं कि आप दिल के अच्छे हैं। अगर आपने कभी इनसे पहले झूठ नहीं बोला तो आप जरूर एतबार करिएगा। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ? सच बोल रही हूँ तो तालियां बजा दें। अच्छा, ये क्या वजह है कि जो अपने होते हैं, घर वाले होते हैं, उनको
آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہوتا, آپ کے گھر والوں کا اعتبار ہوتا ہے آپ کی بات پہ کہ نہیں؟ بہت زیادہ. اچھا, انہیں میری اس بات پہ بھی اعتبار ہوتا ہے جو میں نے کہی بھی نہیں ہوتی. مطلب ٹرسٹ لیول ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ کو جب کوئی اچھا, یہ ایک بڑی خوبصورت, مطلب اتنا آپ نے آتے ہی آپ نے چکا مار دیا. وہ یہ ہوا کہ جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ میرے خیال میں ہونا ہی اس لیول کا چاہیے کہ آپ جو بات نہیں کرتے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے نہیں کی. اچھا, نہیں کی ہے, اور جو آپ نے کی ہے اور جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے نہیں کی تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے کی ہوگی. تھوڑا چکر آ گیا نا, سمجھ گئے نا؟ مطلب اس کا کٹ دا شارٹ اسٹوری کہ آپ کو اپنا ٹرسٹ لیول وہ بنانا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کے مزاج اور آپ کے مطابق جو چیزیں لگتی ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں وہ سب لوگوں کو مان جانی چاہیے, اور اسپیشلی گھر والوں. آپ نے پی ایچ ڈی کب کی ریسنٹلی, مجھے یہ بتائیے گا. باتوں میں باتوں کی میں اصل میں بس جب کوئی خوبصورت ٹائپ خواتین میرے سامنے آتی ہیں نا تو گہری بات دل سے نکلتی ہے. نہیں, مجھے باتیں یاد آنی, باتیں یاد آنا لائیو شو ہے. پلیز ندیم, پلیز پلیز, حوصلہ کنٹرول. اچھا, لیکن ندیم, آن اے ویری سیریس نوٹ, اگر آپ کی ہم بات کریں, پیپل لو یو اینڈ پیپل اڈور یو. مطلب میں نے نہیں کہیں پہ کسی محفل میں میں گئی ہوں یا کسی ریکارڈنگ میں گئی ہوں اور میں نے دیکھا ہو کہ آپ کا ذکر نہ ہوا ہو, اور آپ کے بغیر کوئی بھی فیسٹیویٹی خاص طور پہ اسکرین پہ ہو یا کوئی آف دا اسکرین بھی ہو بڑے لیول پہ, آپ کے بغیر نامکمل ہوتی ہے. کتنا مشکل یہ سفر ہے ندیم, یہ میں ضرور جاننا چاہوں گی. یہ مطلب ڈیفینیٹلی ایک لمبی داستان ہے, میں کیا بتاؤں. ٹیشو لا دیں بھائی, شہباز ٹیشو لا دینا بھائی کے لیے. اسٹرگل ٹائم جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہی آپ کی بنیاد ہوتی ہے آپ کی زندگی کی میرے حساب سے. اور جو لوگ اپنے کام پہ فوکس رکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ دعائیں بھی ہوتی ہیں. اسپیشلی مطلب میں دعا کو زیادہ سپیریئر جانتا ہوں. اچھا, آپ کرتے ہیں بلیو کے دعائیں؟ مطلب بلیو تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ پریکٹیکلی عمل کرنا بھول جاتے ہیں. ابلٹی, دنیا کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے میری نظر میں, آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جس کے اندر خدا نے کوئی نہ کوئی صلاحیت نہ دی ہو, ٹھیک ہے, لیکن دعائیں ہوتی ہیں جو اس کو آگے لے کے آ جاتی ہیں. اچھا, مطلب دنیا میں کوئی ایسا بندہ, خدا نے ایسی کوئی تخلیق کی نہیں ہے کہ جو قابل تعریف نہ ہو, ٹھیک ہے. تو ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں, اور جب خدا کی اسپاٹ لائٹ پڑتی ہے نا اس پہ تو وہ جانا جاتا ہے دنیا میں. تو میرے ساتھ بھی میرا خیال ہے یہی ہوا. اور دعاؤں میں آپ نے دعائیں کس کی زیادہ لی ہیں, یہ میں ضرور جاننا چاہوں گی. اس میں ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ماں باپ, اور اس کے بعد آپ کے اگر والدہ کے کلوز رہے ہیں یا والد کے ہیں. میں مطلب دونوں کی بہت قریب رہا ہوں, کیونکہ والد صاحب کے ساتھ میرا بچپن, جو میرا وہ ایک, ہم فوجی لینگویج میں اسے رنگ روٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک پریکٹس ہوتی ہے کسی بھی فوجی کی, ٹھیک ہے. اور میوزیکلی گھر سے باہر جا کے پردیس میں کس طرح وقت گزارتے ہیں, آرٹسٹ کو کس طرح ہونا چاہیے, اس کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ, اور اپنے کام سے وہ کتنا لائل ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈیفینیٹلی اپنے والد سے سیکھی ہیں. اور جو سر کا جو ہے پہلا آغاز, ڈیفینیٹلی شکر الحمدللہ کہ وہ مجھے خان صاحب اللہ تعالیٰ والا جیسے استاد اور فادر. آپ کے والد صاحب تو از ون آف دا انسٹیٹیوٹس, لونے والا صاحب کی بات کریں تو ون آف دا موسٹ ریسپیکٹیبل اینڈ ریناؤنڈ سنگرز, فوک سنگرز وی ہیو ان پاکستان, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف ہم آبویسلی. لیکن یہ میری گدی کہاں چلی گئی, کشن دے دے. میں بار بار نا ٹیک لگانے کی کوشش کر رہی ہوں تو دیکھ رہی ہوں, آپ نے تو نہیں لے لی مجھے مائک لگا ہوا ہے. میں یہ نہیں, بڑی مہربانی, یہ اسی طرح پکڑا دے, میں انکمفرٹیبل سی ہو رہی. اچھا, تو مجھے ایک بات بتائیں. اچھا, بریک لینی ہے, یہ بریک جو ہے نا ظالم آ جاتی. یہ سینس آف ہیومر کہاں سے آیا بھائی, مجھے یہ بتائیں. ایکٹنگ کیوں نہیں کی ندیم ابھی تک, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. آپ کا خیال ہے میں نہیں کر رہا. ایک تو ان پہ اعتبار نہیں کرنا, اور میری باتوں پہ نہیں. آج کر لیں, آج سچ بولوں گی. ویسے کبھی کبھار نہ بھی کیا کریں. میں آپ کو بتاؤں گی میری جھوٹ والی آنکھ کون سی ہوتی ہے. ابھی بریک والی آنکھ ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. مزید آئی ہوا لوگوں کو ذرا سمجھ نہیں. امیزنگ پرفارمنس, تھینک یو ویری مچ. کیسی لگے بھائی پرفارمنس؟ میں بھی تھک گئی ہوں. اچھا ندیم, مومنٹ کا تھکنا تو سمجھ آتا ہے. ہاں, تسی کی کیتا ہے؟ میں تالیاں بجائیں, یہ والی, یہ بڑا مزہ آتا ہے مجھے. تالی بھی نہیں آتی سلیقے سے بجانی. خواتین حضرات, یہ ہیں وہ خاتون
जो सिर्फ ताली बजा के थक जाते हैं। ये वाली, ये वाली। अच्छा, जब इतनी एनर्जी वाली परफॉर्मेंस हो ना तो बंदा देख के भी हैरान होता है। बट यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी नदीम, एनर्जी ऑडियंस से मिलती है या पैशन है काम का इस वजह से? मेरा ये ख्याल है कि ये आपके अंदर होती है और ऑडियंस जो है उसको आप, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो लीड कर रहा होता है बेसिकली, सारी दुनिया आपको देख रही है, तो जो आपका मूड होगा डेफिनेटली वो आपका रंग नजर आएगा आपकी पब्लिक में। सही। अगर आप सैड हैं तो पब्लिक भी यूं करके बैठी होगी। सही। अगर आपका मूड अच्छा है, आप यानी फ्रेश है और एनर्जी है आपके अंदर, तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी जाती है पब्लिक पब्लिक में जाती है। अच्छा, मूडी है आपके? नहीं, मतलब जितना मैंने आपको देखा है, मूडी से मुराद कि नहीं दिल कर रहा बात करने को, गुस्से में है, मैंने नहीं कभी आपको ज़्यादा गुस्से में देखा या ज़्यादा अवजार देखा हो या टेंट्रम्स शो करते हुए देखा हो। नहीं, मुझे हमेशा जो है ना, मैं खुद पे बर्दाश्त करना ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे, बजाय कि मैं अपना गुस्सा आप पे निकालूं। अच्छा। या किसी और को अपनी बद अखलाकी का शिकार करूं। हाँ। अपनी किसी वजह से। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल होता है कि क्योंकि जो पब्लिक पर्सनैलिटी होती है वो किसी भी शक्ल में हो, उसको चाहिए कि वो अपना टेम्परमेंट थोड़ा सा कंट्रोल रखे। आपके जो हर एक इंसान के अपने दिल के मामलात या अपने पर्सनल कुछ अंदर कुछ चल रहा होता है ना, तो उसको मेरा ये ख्याल है कि यानी आप उसका रिएक्शन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन में तन्हाई पसंद है, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं या सोशलाइज करना ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि आपका काम ऐसा है, इंटरनेशनली ट्रैवल करना होता है, लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है, फैंस भी हैं मेल फीमेल, लेकिन अक्सर बंदा थक भी जाता है। जब मैं शो करता हूँ तो तब जो पब्लिक की मोहब्बत मिलती है वो इतना सोशल वर्क हो जाता है कि उसके बाद फिर यकीन करें मेरा दोस्तों को भी मिलने को दिल नहीं करता। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि मतलब जो आपके फैंस होते हैं, जो आपके आपके सामने आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और आप उनको देख के, मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ और मेरी जो ऑडियंस है वो उसका उसको मज़ा ले रहे होते हैं सुन के, या वो फ्रेश होते हैं या वो एनर्जी लेवल होता है, तो मेरा सोशल वहीं पर हो जाता है। वैसे मैं यानी अकेला रहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स करना मुझे, यानी बुक्स पढ़ना, म्यूजिक कंपोजिशन। ठीक है। और मतलब मेरा इस चीज में मेरा ज्यादा अच्छा वक्त गुजर जाता है। अच्छा, एक चीज है, ब्रेक का मुझे बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर आपके बहुत सारे फैन पेजेस कहूंगी या पर्सनल अकाउंट्स बने हैं और मुझे हाल ही में पता चला, एंड आई वॉन्टेड कि मैं इस पर डिस्कशन जरूर करूँ। ब्रेक के बाद करूंगी कि जिन्होंने भी वो फेक पेजेस बनाए, अकाउंट्स बनाए, वो लोग समझे खवातीन खास तौर पे कि नदीम है, और फिर वो इंटरेक्शन क्या हुआ, कैसे हुआ, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग एंड अलार्मिंग थिंग, इस पे बात करना मैं जरूर चाहूंगी। फिर क्या कुछ वो स्टोरीज हुई, ब्रेक के बाद स्टे ट्यून। इनसे कितने अरसे से दोस्ती है, हमेशा से दोस्ती लगती है, इश्क हो गया होगा अब तो मुझे लगता है इससे? बचपन से। तो कितना अरसा, मतलब ये एक कितना अरसा गुजार लेते हैं, मतलब हारमोनियम के साथ कितना अरसा या चेंज करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट? एक इंस्ट्रूमेंट के हाँ। साथ ये तो सालों साल चलता है। ये कितने अरसे से मेरे पास? जो हारमोनियम जो हम लोग शोज पे यूज करते हैं वो मेरे फादर का है। ठीक है। और उनको वो यूज करते हुए ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए। 40 इयर्स। तो ये ट्यून होता रहता है, बल्कि ये जितना पुराना होता जाता है उतना ये और इसके अंदर जो है ना ये रचता जाता है। अच्छा, और क्योंकि वरना जिस तरह गिटार हो गया, या मुझे सितार का इतना तो नहीं, गिटार का पता है कि स्ट्रिंग्स वगैरह खराब भी हो जाते हैं, तो वो उस तरह पायदार नहीं रहते। सो ये वाहिद उन चंद इंस्ट्रूमेंट्स में से जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सुर भी इंसान की तरह होता है, खराब होता रहता है और फिर उसे ट्यून करना पड़ता है और फिर वो ठीक हो जाता है। सही। हसास है नदीम आपके? नहीं, सेंसिटिव है कि नहीं? आर्टिस्ट हो तो होता है हसास, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ आर्टिस्ट, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने की हैसियत से हसास है? आपको क्या लगता है, क्या लगता है ऑडियंस, हसास है? हाथ खड़ा करके बताएं। वो तो मुझे आज देख रहे हैं इस तरह, आप तो मुझे कब से जानती हैं? मैं ये हसास वाला क्वेश्चन आप उनसे पूछ रही हैं? मैं मुझे क्या पता, मैं मतलब परेशान हूं। और वो भी छोटे-छोटे बच्चों से। मेरी बात पे ना यकीन, आज के शो में किसी बात पे यकीन ही ना करना, ना इनकी करना ना मेरी बात पे। डेफिनेटली एक जिंदा इंसान जो है उसको हसास होना चाहिए, सेंसिटिविटी आपके जिंदा होने का सबूत होता है, और जिस इंसान के अंदर जो सेंसिटिविटी नहीं है, दांतों वाली नहीं मतलब दूसरी वाली, तो वो मतलब उसको चाहिए कि वो चीज़ों को महसूस करें। सही। और क्योंकि हमारा म्यूजिक जो है ये बेसिकली पेंटिंग हो गई, फनून लतीफ़ा, जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो सब चीज़ें महसूस करने वाली। सही। आपके अंदर एक स्केच होता है, कुछ कैनवस पे उतर जाता है, कुछ हारमोनियम की धुनों के साथ लोगों तक पहुंच जाता है। सही। तो ये है बेसिकली एक अनदेखा, एक आइडिया है जिसकी कोई
शक्ल या कोई इसका कुछ सॉलिड कुछ नहीं है, नहीं है, लेकिन आप एहसास महसूस कर सकते हैं। डेफिनेटली ये महसूस करने की चीज़ है, और महसूस तभी आप कर सकते हैं जब आपके अंदर फीलिंग्स हो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आप हमें क्या सुनाने वाले हैं ये बताएं। जी मैं अभी मेरा एक वीडियो आने वाला है। बिल्कुल सही। और मैं आज वीकेंड शो, क्योंकि काफी अरसे बाद हम लोग कर रहे हैं, साल बाद, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट, तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके इस शो के लिए। हमेशा से एक बहुत पुराना सवाल है जिसका जवाब आइंदा सदियां भी ढूंढा जाएगा, और क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन होती है वो खुदा नसीब से देता है, और जिसे हो जाती है उसके फिर सवाल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर एक के दिल में होता है और हमेशा रहता है। Mm-hmm.